सो नाउ वी आर ऑल सेट फॉर द शूटिंग। तो मैं और सोहन थोड़ा दही बड़ा खा के निकल गए बरगढ़ की ओर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बट परवा नहीं, फाइनली इतनी दिनों के बाद सॉन्ग का शूटिंग जो कर रहे हैं। मैं और सोहन रेसिंग रेसिंग करके पूरा बरगढ़ की ओर जा रहे हैं मस्त। अभी टेम्परेचर अराउंड 43 to 44 है, स्टिल हम लोग निकल गए हैं दिन के 12 बजे शूटिंग के लिए। तो गाइस अभी हम लोग डूंगरी पाली को क्रॉस करके बरपाली के बीच में रुके हुए हैं थोड़ा सा, मतलब बाइक चला के मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है, अराउंड 45-46 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो मैं और सोहन अभी एक जगह पे रुक के थोड़ा सा पैर वैर सीधा कर रहे थे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। इसके बाद जाएंगे शूट करेंगे, आपको शूटिंग लोकेशन में सब कुछ दिखाएंगे कैसे शूट होगा क्या होगा। सो स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल में। और क्या मुझे घर वाले बोले कि तू पागल हो चुका है, बट पागल बनते भी कभी कभी जरूरी है। फिर हम लोग ने बाइक थोड़ा एक्सचेंज किया और मैं थोड़ा ड्यूक का वो फील लेना चाहता था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बरगढ़ के आलम रेस्टोरेंट को, जहाँ पे मतलब जो बहुत फेमस है बिरयानी के लिए। हमें मिले ये बाबा, राधे बाबा। राधे के साथ हम लोग फिर थोड़ा सोडा पीने लगे, मस्त सा ठंडा ठंडा सा सोडा, साई सोडा। हम लोग निकल गए संबलपुर की ओर। रास्ते में एक ट्रेजेडी हो गया। सो गाइस अभी टायर फाटी जीछे गुटे अमर भाई, अमर भाई मान को टायर फाटी जीछे, टायर फाटी जाई, ट्यूब फाटी जीछे। हमें अटकिंग आ बहुत दर्द होइंग, खरा जोर होइंग, पूरा 40 डिग्री होइंग। अपन देखी भरु जन अमर भाई मान को टायर फाटी जीछे, मैं अपन को देखो जैसे आड़े देखो कितना तकलीफ में वो लोग आ रहे हैं। वो देखिए गाइस मेरे भाई लोगों का टायर फट गया है, वो लोग ठेला ठेला के आ रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करोगे, आज सोच रहे कि शूट करेंगे लेकिन ये सन को देखिए ये डूबने को आ चुका है और पता नहीं आज शूट कैसा होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत टेंशन है। लेकिन अब किए हैं तो करेंगे लास्ट तक। भाई लोग का टायर को हम लोग बनवा के वापस बरगढ़ भिजवा दिए और फिर हम लोग निकल गए संबलपुर की ओर। तो फाइनली हम लोग लोकेशन पे आ गए हैं और अभी हम लोग शूट करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड, बट क्या पता क्या होगा। बहुत संघर्ष आया सुबह से, मतलब गाड़ी पैंच हो गया, गाड़ी फट गया, गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि सब होगा अच्छे से। ये मेरे राधा भाई और राधे भाई और ये सोहन भाई, सोहन कैमरा सेटिंग्स देख रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड तो बहुत सही है बट प्रॉब्लम ये है कि ये दिखाई दे रहा है फ़ोन में लेकिन ऐसा नहीं, ये पूरा काला हो चुका है। देखते हैं क्या होगा। बहुत मेहनत चल रहा है, आउटपुट का पता नहीं क्या होगा लेकिन हम लोग अभी ये फंस गए यहाँ पे। ये देखिए हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तो हाँ, हम लोग अभी ला विंची नाम का कोई होटल है वहाँ पे रुके हुए हैं। कल सुबह से उठ के शूट पे जाना है 4 बजे और आज का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब जाते हुए, गाड़ी ख़राब हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फाइनली देखते हैं क्या होगा। शॉर्ट लगे पड़े हैं हमारे जल्दी मिलते हैं आपसे। तो शूटिंग खत्म करने के बाद हम लोग आ गए डिलीशियस मोमो खाने के लिए, जो कि सच में डिलीशियस था। प्राइस थोड़ा मुझे हाई लगा बट इन टर्म्स टू टेस्ट इट वाज अमेजिंग। तो गाइस वेलकम टू आवर ब्लॉग, इट्स मी योर बॉय राजे ऑन द माइक, नॉट ऑन द माइक, वी आर हियर। हां, दिस इज द क्विजन्स ऑफ इंडिया। हां, वी वुड लाइक टू गो फॉर द चॉकलेट शेक। ओके, या एंड बोर्डर वाटर। ओके ओके, एंड वी आर वाचिंग देयर जेसीबी की खुदाई। या तो मैं ले लो पुदीना करो ना। तो सोन आपको कैसा लग रहा है, करो टेस्ट करो। राधे आपको कैसा लग रहा है, टेस्ट करो बताओ। शेक पीने जैसा लग रहा है। गुड, चॉकलेट फ्लेवर जैसा लग रहा है। गुड, और चाय की So guys, ये सोहन चेक कर रहा है हैंडल दोनों का ठीक है कि नहीं, चोरी वोरी हो जाएगा तो मर जाएंगे हम लोग, गरीब आदमी है भाई। अभी हम लोग होटल में ही शूट करेंगे वीडियोस, देखते हैं कैसा होता है। One day later.
सो गाइस अभी पैकिंग वैकिंग सब डन हो चुका है, हम लोग निकल रहे हैं डाइक के लिए, डाइक की और शूट के लिए, और देखते हैं कैसा जाता है। बैठे बैठे सब चार्ज है, होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा शूट्स आए, अभी तक नहीं आया कुछ भी अच्छा। सो अभी हम लोग आ चुके हैं तृप्ति रेस्टोरेंट को, जो कि वो ला विंची होटल के साइड में ही है। ये पेट पूजा हो रहा है हमारे भाइयों का। अब सुरेश अपनी वाली को याद करते हुए, खुशबू नाम था उसका। हेलो गाइस, मैं डाई का आया था माहिर भाई से मिलने, माहिर भाई तो मिले नहीं, बट ऑन कमिंग डाई नेक्स्ट टाइम, माहिर भाई नेक्स्ट टाइम इज द नेक्स्ट टाइम। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। तेरा ही चेहरा जाता सवेरा पर मिलता अंधेरा, सुन माहिर ऑन द माइक बेबी। कभी ना भूल तुझसे मिलके कि मेरे जैसा ना कोई ना गिन, मुझे हजारों पे चाहती भी बोली लगती बिकते वो बाजारों में, कोई आ पूछ ले मेरा पता तो कहते या तो किस सहारे हूँ मैं रहता हूँ बाहर। मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, तूने मेरे जाना क्यों नहीं जाना। तो गाइस ये देखो, इसको मैं दांत से छिड़ा नहीं पा रहा हूँ, तो लाइटर की यूज से इसको जला सकते हैं। जब चीजें छिड़ती नहीं है जीवन में तो जला दिया था। गाइस मैं आपको क्या बताऊं, आते वक्त पुलिस का चेकिंग हो गया, नाके पे नाक पे चाका हो गया, फिर बहुत प्रॉब्लम हो गया, फिर हम लोग दूसरे वे से छुप उप के आए, एंड देन अभी फिर जुगाड़ कर रहे हैं। एक हमारा कैमरा स्टैंड का नट गिर गया, तो हम ऐसे जुगाड़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए कैसे मैं अपने बाइक का चाबी भी उसमें दे दिया हूँ, कैसा किस्मत है देखिए। लेकिन हम लोग जुगाड़ करके सब बनाएंगे। कहाँ बोल जा भाई, माड़ी चलो। तो इतना भूखे शूटिंग कर करके भूख लगा, तो हम लोग आके 150 रुपया का ढकेल दिए गुपचुप यहाँ पे, अभी फिर जाके ढकले होंगे वीडियो में, स्टे ट्यून। और ये दोस्त हमारा वीडियो बना रहे हैं, चूटा तो खुला दोस्त, चूटा भूल गए थे। सो गाइस डन विद द शूट, और देखेंगे आउटपुट कैसा आएगा इसके बाद, होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा है। बहुत मेहनत लगा है, हम लोग बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, 8-10 करीबन 8-10 दोस्त, सब ने हेल्प किया, इसीलिए ये हो पाया। होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा जाए आउटपुट बस। तब से मैं आ रहा हूँ यहाँ से, नीचे उतर रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ यहाँ, फिर नीचे उतर रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ। सो गाइस मेरा चश्मा गुम गया पूरा, 12,000 का चश्मा था, मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, और मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ पूरा 3 घंटे से पूरा। आप देख सकते हैं मैं डाइक को खोज रहा हूँ डाइक में पूरा खोज ही रहा हूँ, चश्मा मिल नहीं रहा है मेरा, और बहुत दुख हो गया है। मतलब ये शूट जो आया, मैं कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स घर जाते के बीच में भी अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। लेकिन चश्मा का दर्द मैं सह नहीं पा रहा हूँ, 12,000 रुपया, मतलब मेरा चश्मा होता तो भी अलग है, मेरा ख़रीदा हुआ, मम्मी ने गिफ्ट किया था चश्मा, और ये चश्मा खो दिया अभी, इसीलिए बुरा लग रहा है। और मतलब बजट भी ख़त्म हो चुका है मेरा, पैसे भी नहीं है। रास्ते में एक जगह रुक के थोड़ा लस्सी पिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर मैं और सोहन निकल गए बलांगिर की ओर। फिर रास्ते में हमें हुमा मंदिर का बोर्ड दिखा, तो हम हुमा मंदिर की ओर चले गए। उसका ब्लॉग का लिंक यहाँ पे पिंग हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। गाइस अभी सुरेश आम को देख के रुक नहीं पाया, हम लोग जर्नी में ही हमारा देखिए बाइक से यहाँ पे रख दिए, और हम लोग आम तोड़ने पे फोकस कर रहे हैं, अभी ढलमरा मुरी होंगे आम खाएंगे। तो गाइस तब से सुरेश चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन एक भी आम झड़ा नहीं पा रहे हैं। हला हेलो गाइस, ढेल दो। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा मुंह धो के, गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसके लिए अभी हम लोग थोड़ा मुंह धो लिए, और यहीं भी पसर जाएंगे सोच रहे हैं, इसके ऊपर पसर जाएंगे सोच रहे हैं, बस के फिर थोड़ा बलांगिर जाएंगे। गर्मी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हम लोग रोड पे ही रुक के एक जगह पे सो गए।
हमारा टारगेट यही था कि हम लोग कहीं पहुंच के खाना खाएं। वी आर एंडिंग अप विद पखालो भातो जातीय खाद्य। तोड़े हुए आम को हम लोग ने काट के नून मिर्चा के साथ दबा के पखाल के साथ खाया। पखाल खाने के बाद जो निद्दो मारा मुंडो खराब हो गया पूरा हम लोग का। उधर सोहन ढल रहा था, इधर मैं ढल रहा था। सो गाइस बाइक चला चला के इतना नींद आ गया कि हम लोग एक मतलब एक जगह है ये वहाँ पे वो सुवर्णपुर का बोर्ड लगा हुआ है, पता नहीं कौन सा जगह है। जैसे हम लोग लाए थे यहाँ पे पोड़िया में मतलब सब मतलब यहाँ पे सब शीट करते हैं। फिर हम लोग ने देखा ढलती हुई शाम को सोमपुर के ब्रिज के ऊपर से, एक मेस्मराइजिंग मोमेंट जो हमेशा यादों में रहेगा। और ये माहिदा पड़ला है पेपर जलाते हुए, माहिदा का पिछवाड़ा भी हो गया है व्हाइट पत्थर पे बैठ के। माहिदा अपने एक्स के सारे क्या बोलते हैं यादें जलाते हुए। पर इतने खुश क्यों लग रहे हैं माहिदा, क्यों 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 रसना आप ये सब ये आप लोग हाँ रसना पी सकते हैं, ये रसना नहीं है ये कुछ और है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फिर से शूटिंग के लिए। बहुत गर्मी हो रहा है इसीलिए हम लोग गर्मी नहीं हो रहा है, बारिश भी हो रहा है और गर्मी भी हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बलांगीर का वेदर देखिए तो कैसा हो गया है, हरा भी हो रहा है बरसा भी हो रहा है, छोटा एक एक डायरेक्शन में खींच रहा है और हम लोग कितना सुंदर जगह देखिए चिलिका है, बलांगीर का चिलिका है, बलांगीर का चिलिका है। आज लकी भाई का बर्थडे है, ये लकी भाई फाले खा दिया है। हे गाइस दिस इज लकी पोड taking तो चैनल ना खड़ा सॉरी द वेस्टर्न गाइस यूट्यूब चैनल। पंखा रो देसी तो गाइस डन विद द वीडियो कम्प्लीटली डाइक में भी और मतलब कृपा सागर और वो ला फ्रेंक होटल सब जगह पे हम लोग ने शूट लिया। फाइनली लकी भाई के साथ हमारा टेक खत्म होते हुए और हम विश करते हैं कि आप स्टे ट्यून्ड रहें गाने के लिए और बहुत सारा प्यार दिखाएं और सपोर्ट और लव सब दिखाएं और जल्दी फॉलोअर्स थोड़ा बढ़ा दीजिए इनका भी और मेरा भी। मेरा YouTube चैनल है लेकिन वो अलग ही डांस चैनल है, फॉलो करना तो कर दीजिएगा वरना मेरा Instagram में मेरे को फॉलो कर दीजिएगा। कौन सा बहुत अच्छा अच्छा रील आता है। नाम क्या है? Cool Lucky Board Instagram, बहुत अच्छा डांसर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ये हमारे अपुदा आया था और ये हमारा एडिटिंग चल रहा है। आई एम सो एक्साइटेड एंड रियली बहुत अच्छा आउटपुट दिख रहा है। Just like our dreams come true. Stay tuned. तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया।